खैनी मानो ना 8-9 बीघा, 8-9 बीघा में। हाँ, ये परसों पर लेके। तो ये खैनी जो बेचते हैं किसान, तो किस रेट में बेचते हैं? वो लेट अब 5,000 तक गेल, 20,000 रुपया क्विंटल खैनी को बेचा जाता है। हाँ, किसानों को तो बहुत फायदा है। न तो बिगड़ गेल खैनी तो 5,000 रुपये क्विंटल चले। हाजन मुजफ्फरपुर, तो इस मुजफ्फरपुर जिला में यहाँ पे अधिकांश किसान जो हैं खैनी की खेती करते हैं। हाँ, यहाँ के प्रमुख फसल खैनी की खेती है। हाँ, खैनी, गेहूँ, मकई, आलू सब। कई एकड़ों में खैनी की खेती है। और बिहार में अगर देखा जाए तो एक मुजफ्फरपुर जिला ही है जहाँ की लीची और खैनी की खेत, ये दो चीज़ बहुत नामी है। यहाँ पे अधिक पैदावार अगर देखा जाए लास्ट हो तो उठ जाए। उसके बाद ये किसान जो इसको बेचते हैं तो किस रेट में इस खैनी को बेचते हैं? ये खैनी है ना, एक सुखाल जता पीचल जता सिन्न माझी। अच्छा, तो यहाँ पे आपके मुजफ्फरपुर जिले में जो है खैनी की खेती जो की जाती है, इस खैनी की खेती जो है कितने महीने में कंप्लीट की जाती है? नो कहले 3 से 3.5 महीना में एकदम रेडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं योगेश्वर पासवान। इस वक्त हम बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर जिले जहां हम खड़े हैं यह छाजन गांव है और यहां के किसानों के द्वारा अधिकांश गेहूं, मक्का और धान के जगह जो है खैनी की पैदावार की जाती है। यहाँ पे खैनी की उपज अधिकांश संख्या में की जाती है। यहाँ के किसान अगर देखा जाए और कहा जाए तो खैनी की खेतों पर ही आश्रित है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कई एकड़ जमीनों में जो है खैनी की खेती लगाई गई है। और किस प्रकार से खैनी की खेत, आप देखिए वीडियो में आप देख सकते हैं कि यही है खैनी की खेत। और ये खैनी के पत्ते हैं जो अभी पूरी बिल्कुल तरह से हरे हैं और ये लगभग 2 से 2.5 या 3 महीने के बाद ये खैनी की खेती कंप्लीट कर ली जाती है और उनके बाद किसान इनको बेच देते हैं। अभी इस खेतों में देख रहे हैं कि मजदूर हैं, एक चाचा जी हैं, उनसे कुछ हम जानकारी लेंगे कि आखिर खैनी की खेती किस प्रकार से यहाँ की जाती है और खैनी की खेती से यहाँ के किसानों को क्या फायदा होता है। चाचा जी, एक मिनट आपका समय लेना। क्या नाम है आपका? सिन्नन माझी। अच्छा, तो यहाँ पे आपके मुजफ्फरपुर जिले में जो है खैनी की खेती जो की जाती है, उस खैनी की खेती जो है कितने महीने में कम्प्लीट की? नो कहले 3 से 3.5 महीना में एकदम रेडी। अभी जो है खैनी की खेती लगाया गया है, अभी देख रहे हैं कि पत्ते इनके हरे हैं। ये कब तक का, मतलब इसको जब किसान तैयार, फागुन लास्ट हो तो उठ जाए। उसके बाद ये किसान जो इसको बेचते हैं तो किस रेट में इस खैनी को बेचते हैं? ये खैनी है ना, एक सुखाल जता पीचल जता मान ट्रैक्टर से चीप दी तब तो पत्ता खोललक सुखैलक तब तो अपना छेबिया पर ले। मजदूर हैं? कितने एकड़ में ये खैनी की खेती की गई? खैनी मानो ना 8-9 बीघा। 8-9 बीघा में? हाँ, ये परसों पर ले। तो ये खैनी जो बेचते हैं किसान तो किस रेट में बेचते हैं? वो लेट बन गेल निम्बन खैनी है ना, तो 20,000 तक गेल, 20,000 रुपया क्विंटल खैनी को बेचा जाता है। हाँ, किसानों को तो बहुत न तो बिगड़ गेल खैनी तो 5,000 रुपये क्विंटल चले। ये खैनी जो है मेहनत के ऊपर है, मेहनत के ऊपर है। तो ये कौन सा गांव है? छाजन। छाजन मुजफ्फरपुर। तो इस मुजफ्फरपुर जिला में यहाँ पे अधिकांश किसान जो है खैनी की खेती करते हैं। हाँ, यहाँ के प्रमुख फसल खैनी की खेती है। हाँ, खैनी, गेहूँ, मकई, आलू सब सब खेती। देखिए आप यहाँ के जो मजदूर हैं क्या कुछ इस खैनी खेती के बारे में कह रहे हैं। आप फिर से देखिए मेरे पीछे, कई एकड़ों में खैनी की खेती है। और बिहार में अगर देखा जाए तो एक मुजफ्फरपुर जिला ही है जहाँ की लीची और खैनी की खेत, ये दो चीज़ बहुत नामी है। यहाँ पे अधिक पैदावार अगर देखा जाए तो खैनी की खेत और लीची अधिक मात्रा में उपजाए जाते हैं।
और यहाँ के किसानों के लिए बड़ी सहारा है लीची और खैनी की खेती। और खैनी के खेतों पर आश्रित रह के किसान अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, परिवारों को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि आपने सुना कि खैनी खेती जब यह तैयार कर ली जाती है तो इनको 20 से 25 या 30 हजार रुपये क्विंटल यहाँ के किसान बेचते हैं, जो काफ़ी उपलब्धि इस जिला के लिए है। और बिहार में ऐसे ऐसे जगहों पर अगर किसानों को आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार अगर ध्यान दे तो निश्चित तौर पर हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। और देखिए, हम कहना भी चाहेंगे कि जिस खैनी की खेतों पर यहाँ के लोग आश्रित हैं और ये एक बड़े तौर पे एक व्यवसाय है किसानों के लिए, ठीक उसी तरह से जब आप खैनी के पैकेट खरीदते होंगे दुकान में तो उसमें लिखा होता है कि खैनी सेहत के लिए हानिकारक है। जब बिहार में शराबबंदी है और नशा मुक्त बिहार बनाने की दिशा में अगर बिहार सरकार कार्य कर रही है और एक तरफ किसानों के इनसे फायदा भी है, इसमें विशेषकर बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जब बिहार का एक किसान और देश का एक किसान जब मजबूत होंगे, वो आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारा देश, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। आप पुनः मैं चाहूँगा कि आप देखिए कि खैनी की ये खेत है, ये देखिए हरे हरे पत्ते हैं। अब इनको तैयार होने में 2 महीने लग सकते हैं और 2 महीने के बाद ये पत्ते पूरी तरह से पक जाते हैं और यही खैनी में तब्दील होते हैं। इनको किसानों बेचते हैं और बेच के इनसे काफ़ी पैसे भी कमाते हैं। तो बिहार का मुजफ्फरपुर जिला का ये ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को कैसा लगा और यहाँ के किसानों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपने अपनी विचारों को, अपने अपनी कमेंट को हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। और अभी तक आपने अगर अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़, और बने रहिए वीडियो में। जल्द वापस आते हैं, धन्यवाद।